सुनिए, मेरा नाम रोहन है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप कंप्यूटर से कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करती हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा नाम गीता है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास इंटरनेट सुविधा युक्त एक कंप्यूटर है जिसके जरिए मैं विभिन्न सेवाएं जैसे रेल टिकट की बुकिंग, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जानने में, बिजली व मोबाइल फोन के बिलों का भुगतान, बैंक से लेन देन, पैन कार्ड, पासपोर्ट का आवेदन आदि आदि सुविधाएं प्राप्त करा सकती हूँ। अच्छा, इसका मतलब मेरे गांव वालों को इन कामों के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि गांव में इंटरनेट युक्त कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध है तो गांव वालों को इन सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु शहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अरे, ये तो बहुत ही अच्छा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सब जानकर गांव वाले भी मेरी तरह बहुत प्रसन्न होंगे। हाँ बिल्कुल, आप इन्हें गांव वालों को अवश्य बताइए। सुनिए, मेरा नाम राम प्रसाद है। आप कौन कौन सी ऑनलाइन सेवाएं प्रदान कर सकती हैं? क्या मेरे शहर गए बगैर आप मेरी बिजली बिल का भुगतान यहीं से करवा सकती हैं? मुझे यात्रा करने में बड़ी तकलीफ होती है। हाँ बिल्कुल, आप इतनी दूर गए बगैर अपना बिजली का बिल भुगतान यहीं से कर सकते हैं। ऐसा है तो ये मेरे लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। क्या आप कंप्यूटर के जरिए फसल के बाजारू भाव भी बता सकती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं कंप्यूटर पर इंटरनेट के जरिए वर्तमान में फसल के भाव भी बता सकती हूँ। यह तो आश्चर्यजनक है कि हम ये सारी सुविधाएं गांव में भी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इंटरनेट के जरिए ये सभी सुविधाएं आप अपने गांव में ही प्राप्त कर सकते हैं। मैंने सुना है कि आजकल इंटरनेट की सुविधा मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध है, क्या ये सत्य है? हाँ रोहन, न केवल मोबाइल फोन बल्कि आजकल लोग स्मार्टफोन अथवा टैबलेट पर भी इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग बहुत सारे कामों के लिए करते हैं। यह सब सुनने में बहुत रुचिकर लगता है। क्या आप मुझे कंप्यूटर, स्मार्टफोन और टैबलेट के बारे में सिखा सकती हैं? बिल्कुल रोहन, कृपया बैठ जाइए, मैं आपको कंप्यूटर, स्मार्टफोन और टैबलेट के बारे में और अधिक बताती हूँ। बाकी आप लोग भी बैठ जाइए जिससे मैं आप सभी को डिजिटल यंत्रों के बारे में और अधिक बता सकूं। सबसे पहले हम यह सीखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसका उपयोग आंकड़ों व सूचनाओं के संकलन व प्रसंस्करण के लिए किया जाता है। हम कंप्यूटर से क्या क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर के जरिए मीलों दूर रहने वाले परिवार के सदस्यों व मित्रों से जुड़ा जा सकता है, रेल टिकट बुक कराए जा सकते हैं, बैंक खाते में लेन देन किया जा सकता है, सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं, खेल खेले जा सकते हैं, गाने सुने जा सकते हैं और सिनेमा पिक्चर देखी जा सकती है। अब हम कंप्यूटर व उसके विभिन्न हिस्सों के बारे में सीखते हैं। अ कंप्यूटर इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। द कंप्यूटर एंड ऑल द इक्विपमेंट कनेक्टेड टू इट आर कॉल्ड हार्डवेयर। Software is a set of instructions that the computer follows in performing a task. आपका मतलब है कि स्क्रीन पर दिखने वाले सभी आइकन्स सॉफ्टवेयर होते हैं? हाँ रोहन, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में प्रोग्राम होते हैं जिनसे हम भांति भांति के काम करते हैं। अब हमें विभिन्न उपकरणों के विषय में जानना चाहिए जिनसे कंप्यूटर बनता है। कंप्यूटर के तीन अंग होते हैं, पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा प्रोसेसिंग डिवाइस, तीसरा आउटपुट डिवाइस। जैसे एक ट्रैक्टर को चलने के लिए डीजल अथवा पेट्रोल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह कंप्यूटर में डाटा भरने, निर्देश अथवा सूचनाएं संकलित कर विभिन्न कार्य करने के लिए उपकरणों की आवश्यकता होती है। डिवाइसेज विच आर यूज टू इंसर्ट डेटा, इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेज। इन चित्रों को देखो, ये कुछ इनपुट डिवाइसें हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर में होता है। ये इनपुट डिवाइस निम्न हैं: पेन ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, सीडी, माइक्रोफोन। कीबोर्ड और माउस प्राथमिक इनपुट डिवाइसें हैं। यह बिल्कुल टाइपराइटर के कीबोर्ड की तरह दिखता है। हाँ, इसमें कुछ अतिरिक्त बटन अवश्य है। सामान्य कीबोर्ड के बटनों के साथ इसमें कुछ अंक एवं विशेष बटन अवश्य होते हैं।
क्या आप मुझे बताएंगी कि इन विशेष बटनों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अंक बटनों की सहायता से कैलकुलेटर की भांति कंप्यूटर में अंक भरे जाते हैं। नेविगेशनल बटन मार्गदर्शक बटन होते हैं जो मॉनिटर पर पेज देखने में सहायक होते हैं। प्रोग्राम में पेज अप बटन विषय के दिखने वाले भाग और कर्सर को स्क्रीन पर आगे बढ़ाता है। प्रोग्राम में पेज डाउन बटन विषय के दिखने वाले भाग और कर्सर को स्क्रीन पर पीछे करता है। प्रोग्राम में होम बटन कर्सर को विषय के आरंभ में ले जाता है। प्रोग्राम में एंड बटन कर्सर को विषय के अंतिम लाइन में ले जाता है। प्रोग्राम में ये तीनों बटन संपादन बटन कहे जाते हैं जो कंप्यूटर में पठनीय विषय में संशोधन करने में सहायक होते हैं। ज्यादातर लेख संपादन प्रोग्रामों इंसर्ट बटन का प्रयोग किसी लेख में शब्दों को भरने और लिखावट पर शब्दों के पुनर्लेखन में होता है। डिलीट बटन लेख संपादन प्रोग्रामों में एक एक कर अक्षर दाईं ओर मिटाता है। बैकस्पेस बटन लेख संपादन प्रोग्रामों में एक एक कर अक्षर बाईं ओर मिटाता है। ये चार बटन किस काम के लिए प्रयोग किए जाते हैं? ये चारों बटन दिशा निर्देशक बटन कहलाते हैं। ज्यादातर लेख संपादन प्रोग्रामों में ऊपर की तरफ तीर के निशान वाला बटन कर्सर को स्क्रीन पर ऊपर की ओर ले जाता है। ज्यादातर लेख संपादन प्रोग्रामों में नीचे की तरफ तीर के निशान वाला बटन कर्सर को स्क्रीन पर नीचे की ओर ले जाता है। ज्यादातर लेख संपादन प्रोग्रामों में बाएं की तरफ तीर के निशान वाला बटन कर्सर को स्क्रीन पर बाएं की ओर ले जाता है। ज्यादातर लेख संपादन प्रोग्रामों में दाएं की तरफ तीर के निशान वाला बटन कर्सर को स्क्रीन पर दाएं की ओर ले जाता है। क्या तुम F1 से F12 तक के बटनों को देख रहे हो? यह बटन फंक्शन बटन कहलाते हैं। यह बटन कंप्यूटर पर सक्रिय प्रोग्राम के अनुसार निर्दिष्ट किए गए विशेष कार्य को निष्पादित करते हैं। ज्यादातर प्रोग्रामों में एस्केप बटन चल रही प्रक्रिया समाप्त कर देता है। कंट्रोल और अल्टरनेट बटन क्रिया परिवर्तन बटन है जो ज्यादातर प्रोग्रामों में विशिष्ट कार्य और माउस की क्रिया को या तो परिवर्तित कर देते हैं या तो बढ़ा देते हैं। विंडो बटन विंडोज के स्टार्ट मेनू को सक्रिय कर देता है। यह बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि टास्क बार के स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से होता है। अब तक हमने कीबोर्ड के विभिन्न बटनों के बारे में सीखा, अब हम माउस के बारे में सीखते हैं। माउस एक दिखाने निर्देशन करने वाला यंत्र है जिसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले विषय आइकन्स को इंगित कर उनसे परस्पर संबंध बनाने में होता है। आप देखेंगे कि जैसे ही माउस चलाया जाता है वैसे ही माउस चलाए जाने की दिशा में एक छोटा तीर स्क्रीन पर चलता है। इस तीर को पॉइंटर कहते हैं। पॉइंटर की सहायता से कंप्यूटर को प्रक्रिया के लिए डाटा व निर्देश उपलब्ध कराए जा सकते हैं। माउस पर दो बटन भी होते हैं, बायां बटन और दायां बटन। माउस के दोनों बटनों के बीच में एक घूमने वाला चक्का भी होता है जिसकी मदद से प्रलेख या डॉक्यूमेंट और वेब पेज पर आसानी से चला जा सकता है। ये माउस द्वारा किए जा सकने वाले कुछ कार्य हैं। माउस के बाएं बटन को एक बार दबाकर स्क्रीन पर किसी प्रोग्राम को चुना जा सकता है। माउस के बाएं बटन को लगातार दो बार बिना किसी अंतराल के दबाकर क्लिक कर किसी प्रोग्राम के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। माउस के दाएं बटन को दबाए जाने पर इंडेक्स मेनू खुलेगा। घूमने वाला चक्का स्क्रीन पर पेज को ऊपर नीचे खिसकाने में हमारी सहायता करता है। जिस तरह दानों से भूसी निकालने या गेहूं को पीसने में ग्राइंडिंग मिल एक प्रोसेसिंग मशीन की तरह काम करती है, उसी तरह कंप्यूटर में वह यंत्र जो डाटा संग्रहण और संरक्षण को नियंत्रित करते हैं वह प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU प्रोसेस की जाती है, फिर कंप्यूटर की मेमोरी या RAM में संरक्षित की जाती है। जिस तरह दानों से भूसी निकालने या गेहूं को पीसने में ग्राइंडिंग मिल एक प्रोसेसिंग मशीन की तरह काम करती है, जिस तरह अनाज और भूसे को अलग अलग करने वाला थ्रेशर एक आउटपुट मशीन है,
उसी तरह कंप्यूटर के साथ परिणाम को दिखाने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें आउटपुट यंत्र कहते हैं। मॉनिटर एक बहुत ही सामान्य आउटपुट यंत्र है। मॉनिटर स्क्रीन है जिसका प्रयोग आउटपुट जैसे शब्दों, अंकों व चित्रों को देखने में होता है। मॉनिटर दो तरह के होते हैं, कैथोड रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिस्प्ले। प्रिंटर कंप्यूटर से प्रसंस्कृत डाटा लेता है जिसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं और उसे छापकर निकालता है जिसे हार्ड कॉपी कहते हैं। कंप्यूटर पर दिखने वाले किसी चित्र या लेख को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं तथा उसी के छपे हुए को हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रिंटर तीन तरह के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। स्पीकर एक आउटपुट यंत्र जिसके द्वारा हम आवाज सुनते हैं। स्पीकर के बिना हम गाने अथवा आवाज विषयों आदि को सुन नहीं सकते। हेडफोन कंप्यूटर से आवाज आउटपुट देता है। ये स्पीकर की तरह होते हैं किंतु इन्हें कानों पर पहना जाता है, इसलिए एक समय में केवल एक ही व्यक्ति आउटपुट सुन सकता है। प्रोजेक्टर एक आउटपुट यंत्र है जिससे किसी लेख या चित्र को समतल स्क्रीन पर दिखाया जाता है। अधिकतर प्रोजेक्टर का प्रयोग सम्मेलनों में या प्रस्तुतिकरण में होता है जिसके द्वारा प्रदर्शित होने वाले कई लोग एक साथ देख सकते हैं। अब तक हमने कई तरह की इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइसों के बारे में जाना है। अब हम लोग मजेदार गतिविधि में भाग। प्रत्येक प्रश्न के लिए सही विकल्प चुने। सही है, अच्छा प्रयास। सही है, अच्छा प्रयास। सही है, अच्छा प्रयास। सही है, अच्छा प्रयास। दीदी, कंप्यूटर सारा डाटा कहाँ संचित करता है? जिस तरह तुम्हारा दिमाग बहुत सी आवश्यक चीजों को याद रखने में तुम्हारी मदद करता है, उसी तरह कंप्यूटर डाटा संचित करता है जिसे कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी दो तरह की होती है, प्राथमिक अथवा मुख्य मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। मुख्य प्राथमिक मेमोरी बहुत तेज है, इसे रैम कहते हैं। इसका अर्थ रैंडम एक्सेस मेमोरी अथवा रैम होता है। कंप्यूटर की गति रैम पर निर्भर करती है। डाटा और निर्देश मुख्य मेमोरी में संचित रहते हैं जहां से ये प्रोसेस कर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए सीपीयू में पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। रैम वह मेमोरी होती है जहां सारे प्रोग्राम संचित किए जाते हैं। कंप्यूटर की गति रैम पर निर्भर होती है। कैश मेमोरी वह मेमोरी है जो रैम का अंग होती है और प्रोसेसर के बहुत पास होती है। इसका प्रयोग प्रोसेसिंग गति को सुधारने में किया जाता है। प्राथमिक मेमोरी सीमित होती है, इसलिए असीमित डाटा को सुरक्षित करने के लिए द्वितीयक मेमोरी का प्रयोग करते हैं। चूंकि कंप्यूटर द्वितीयक मेमोरी पर सुरक्षित डाटा को सीधे प्रोसेस नहीं कर सकता, अतः प्रोसेस करने के लिए पहले रैम पर उसकी नकल तैयार की जाती है। ये कुछ डिवाइस हैं जो द्वितीयक मेमोरी की तरह कार्य करती हैं, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और डीवीडी। तो एक कंप्यूटर डाटा को अपनी मेमोरी में कैसे सुरक्षित करता है? कंप्यूटर सभी सूचनाएं केवल दो अंकों 0 और 1 में संचित करता है। एक अकेली बाइनरी डिजिट अर्थात 1 अथवा 10 को बिट कहते हैं। 8 बिट्स के ग्रुप को एक बाइट कहते हैं। इस सारणी को देखो, इसमें बिट्स और बाइट्स के बीच के संबंध को दिखाता है। निर्देश जो कार्य पूरा करने और हार्डवेयर को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स निर्देशों का योजनाबद्ध क्रमवार समूह है जो कंप्यूटर को निर्देशित करते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में विशिष्ट कार्य को पूरा करने में मदद करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ओपन ऑफिस ड्रॉ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, जो प्रोग्राम कंप्यूटर हार्डवेयर से सीधे जुड़े होते हैं।
सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर चलाने के लिए आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हमारे आगे बढ़ने से पहले इस एक्टिविटी में भाग लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए सही विकल्प चुनें। सही है, अच्छा प्रयास। सही है, अच्छा प्रयास। गीता, ये सब रुचिकर है। मैंने पहले कभी भी कंप्यूटर नहीं चलाया है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कंप्यूटर कैसे स्थापित किया जाता है और कैसे चलाया जाता है? अवश्य चाचा, मैं सब कुछ समझा दूंगी। सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर के विभिन्न अंगों से परिचित कराती हूँ। यह मॉनिटर है। यह टेलीविजन की तरह है और इसकी स्क्रीन पर आउटपुट देखा जाता है। यह सिस्टम बॉक्स है। इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू होता है। यह सीपीयू ही कंप्यूटर का मुख्य दिमाग होता है। यह कीबोर्ड और माउस हैं। यह दोनों इनपुट डिवाइस हैं, जिसके द्वारा कंप्यूटर में डाटा भरा जाता है। कंप्यूटर को जोड़ने के लिए सबसे पहले उसे मेज पर रखिए। तब सिस्टम बॉक्स के बगल में मॉनिटर रखिए। सिस्टम बॉक्स के पीछे का भाग देखिए। इसमें विभिन्न डिवाइसें जोड़ने के लिए खांचे बने हैं, जिन्हें पोर्ट कहते हैं। अब इस तरह से मॉनिटर सिस्टम से जोड़ा जाता है। सिस्टम बॉक्स वीडियो पोर्ट को वीजीए पोर्ट कहते हैं। इससे मॉनिटर को जोड़ने वाले तार को वीजीए केबल कहते हैं। वीजीए केबल के एक सिरे को सिस्टम के वीजीए पोर्ट से तथा दूसरे को मॉनिटर से जोड़ा जाता है। कीबोर्ड दो प्रकार के कनेक्टर वाले होते हैं, पीएस 2 कनेक्टर अथवा यूएसबी कनेक्टर। कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए उसके कनेक्टर को सिस्टम के उपयुक्त पोर्ट में जोड़ा जाता है। माउस 3 प्रकार के कनेक्टर वाले होते हैं, पीएस 2 कनेक्टर, यूएसबी कनेक्टर अथवा सीरियल कनेक्टर। माउस को कनेक्ट करने के लिए उसके कनेक्टर को सिस्टम के उपयुक्त पोर्ट में जोड़ा जाता है। उसी तरह यदि आप प्रिंटर को जोड़ना चाहते हैं तो उसके कनेक्टर, जो इन दो में से किसी एक प्रकार का हो सकता है, समानांतर पोर्ट अथवा यूएसबी पोर्ट को सिस्टम के उपयुक्त पोर्ट में जोड़ दें। अब हम कंप्यूटर को बिजली के मेन बोर्ड से कैसे जोड़ सकते हैं? कंप्यूटर दो बिजली सप्लाई के तारों के साथ आता है। एक बिजली सप्लाई तार को सिस्टम यूनिट के बिजली सप्लाई प्लग में तथा दूसरे तार को मॉनिटर के पोर्ट से प्लग करें। उसके बाद दोनों तारों को बिजली के पोर्ट से या यूपीएस से जोड़ें। क्या आप हमें दिखा सकती हैं कि कंप्यूटर को कैसे जोड़ते हैं? बिल्कुल। कंप्यूटर चालू करने के लिए निम्न कार्यवाहियों का अनुसरण करें। पहले सिस्टम यूनिट व मॉनिटर दोनों की बिजली सप्लाई चालू करें। तब सिस्टम यूनिट का पावर बटन दबाकर उसे चालू करें व मॉनिटर का पावर बटन दबाकर उसे चालू करें। अब कुछ क्षण इंतजार करें और देखें कि मॉनिटर पर डिस्प्ले आने लगा है। इसे बूट स्क्रीन कहते हैं। धीरे धीरे सभी सॉफ्टवेयर लोड हो जाएं तो कंप्यूटर प्रयोग के लिए तैयार है। धन्यवाद गीता, पहली बार न केवल कंप्यूटर को देखा है बल्कि उसे चालू करना भी सीखा है। हाँ, कंप्यूटर के विषय में यह सब बताने के लिए धन्यवाद दीदी। अब क्या आप हमें मोबाइल फोन व टैबलेट के बारे में भी बता देंगी? बिल्कुल रोहन, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि मोबाइल फोन व टैबलेट कैसे चलाते हैं। हाँ, मैं भी इन चीजों के बारे में सीखना चाहता हूँ। पहले हम मोबाइल फोन व टैबलेट के विभिन्न अंगों, कार्यों व उपयोगों के बारे में जानते हैं। जैसे आप जानते हैं कि बेसिक मोबाइल फोन एक ऐसा यंत्र है जिससे आप कॉल कर सकते हैं, कॉल प्राप्त कर सकते हैं व मैसेज लिखकर भेज सकते हैं व प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक मोबाइल फोनों में कई तरह की विशेषताएं होती हैं, जैसा कि इंटरनेट, खेल, कैमरा, वीडियो गेम और मार्ग निर्देशन प्रणाली। यह फोन स्मार्टफोन कहलाते हैं। कुछ मोबाइल फोनों में दो दो सिम कार्ड एक साथ ही फिट हो जाते हैं। इन्हें डुअल सिम फोन कहते हैं। फोन के विभिन्न अंगों को देखें।
गीता, क्या तुम मुझे दिखा सकती हो कि फोन में सिम व बैटरी कैसे डालते हैं? बिल्कुल, बस निम्न प्रक्रियाओं का अनुसरण करें। पहला, फोन को स्विच ऑफ कर दें और पीछे का कवर निकाल दें। उसके बाद फोन की बैटरी निकाल दें। तब सिम खांचे में सिम डाल दें। अंत में बैटरी व कवर पुनः लगा दें और फोन को चालू करें। धन्यवाद गीता, मुझे फोन की बैटरी चार्ज करने में भी समस्या होती है। चिंता ना करें, बस निम्न प्रक्रियाओं का अनुसरण करें। पहला, चार्जर को दीवार पर बिजली के बोर्ड में लगाएं। तब चार्जर को फोन में लगाएं। कुछ समय बाद जब मोबाइल बैटरी फुल दिखाए तो पहले चार्जर को फोन से निकालें, फिर दीवार से निकालें। मैं आपको सिखाती हूँ कि फोन के बटनों को लॉक व अनलॉक कैसे किया जाता है। हमें बटनों को लॉक क्यों करना चाहिए? चाचा, जब आप लंबे समय तक फोन का प्रयोग न कर रहे हों तो उसे लॉक करके रखना अच्छा होता है। इसकी यह प्रक्रिया है। फोन लॉक करने के सिलेक्ट मेन्यू पर जाइए और स्टार बटन दबाइए। अब ये लॉक कैसे खुलेगा? इसे खोलने के लिए फोन का अनलॉक बटन दबाइए और तब स्टार बटन दबाइए। मेरे पास ये नया मोबाइल है और मुझे यहाँ तक नहीं पता है कि इसकी विशेषताएं कैसे देखें। आप अपने मोबाइल की विशेषताएं देखने के लिए पहले मेनू आइकन छुएं या मेनू बटन दबाएं, जिससे फोन के सारे फीचर दिखाई पड़ने लगेंगे, और पीछे जाने के लिए पीछे आइकन को छुएं या बटन को दबाएं। पुनः आरंभ में जाने के लिए होम आइकन को छुएं या बटन को दबाएं। बेसिक फोन अथवा टच स्क्रीन फोन, रिंगटोन, घंटी बदलने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाएं। बेसिक फोन के लिए पहले मेनू चुनें, फिर सेटिंग, तब टोन चुनें और फिर खिसक कर रिंगटोन पर जाएं। तब गैलरी खोलने के लिए खिसक कर गैलरी पर जाएं, जहां पर कई रिंगटोनों की सूची दिखाई देगी। अब आप अपनी इच्छा अनुसार टोन का चयन कर सकते हैं। टच स्क्रीन फोन रिंगटोन बदलने की प्रक्रिया। पहला, होम आइकन को छुएं, फिर मेनू आइकन को छुएं, फिर पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स आइकन को छुएं, फिर सेटिंग आइकन को छुएं, फिर प्रोफाइल सेटिंग आइकन को छुएं, तब रिंगटोन या नोटिफिकेशन रिंगटोन आइकन को छुएं, तब रिंगटोन की सूची में खिसक कर अपनी इच्छानुसार रिंगटोन चुनें, तब ठीक ओके आइकन को छुएं। मैं अपने फोन में अलार्म सेट करना चाहता हूँ, क्या सुबह जल्दी अलार्म सेट करने में आप मेरी मदद कर सकती हैं? निम्न प्रक्रिया से आप स्वयं कर सकते हैं। बेसिक फोन के लिए पहले मेनू में अनुपयोग चुनें, फिर अलार्म घड़ी, उसके पश्चात अलार्म का समय सेट करके सेव चुनें, फिर खिसक कर रिंगटोन पर जाएं। यदि आप अलार्म को दोहराना चाहते हैं तो चयन के विकल्प में जा दोहराना, फिर दिनों का चयन कर संपन्न चुनें। टच स्क्रीन फोन में निम्न प्रक्रिया अपनाएं। पहले मेनू को छुएं, तब घड़ी को छुएं, तब अलार्म को छुएं, अलार्म का समय सेट करके सेव चुनें। दीदी, क्या आप हमें टैबलेट के बारे में बता सकती हैं? हाँ जरूर, मैं अभी बताने ही वाली थी। टैबलेट एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है जो एक स्मार्टफोन अथवा एक लैपटॉप अथवा कंप्यूटर की तरह है। आजकल टैबलेट अपने सुविधाजनक आकार और फीचर के सरल उपयोग के कारण बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। इनका उपयोग हम इंटरनेट पर ब्राउजर, मेल चेक करना, डाउनलोड और किताबें पढ़ने, गेम खेलने, वीडियो देखने के अलावा संगठक के रूप में किया जा सकता है। टैबलेट विभिन्न प्रकार के होते हैं, यहाँ पर कुछ हैं। बुकलेट टैबलेट पीसी का सबसे सरलतम रूप है, जो किताब की तरह दिखता है। इस डिवाइस के दोनों तरफ डिस्प्ले होता है और इसकी कार्यप्रणाली दोनों तरफ छूने से कार्य करती है। यह हस्तलेख को पहचानने वाला सॉफ्टवेयर होता है, जो तुम्हें स्क्रीन पर वैसे ही लिखने की अनुमति देता है जैसे कि आप पेपर पर लिख सकते हैं। स्लेट सबसे साधारण और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टैबलेट पीसी है, जो अधिकतर मनोरंजन के लिए, फिल्म देखने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, वीडियो देखने, वीडियो कॉल करने और दोस्तों के साथ चैट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कन्वर्टिबल टैबलेट लगभग पारंपरिक लैपटॉपों की तरह के ही होते हैं। इसमें बस एक बड़ा फर्क यह होता है
कि इनसे टच स्क्रीन डिस्प्ले होता है जिसे 180 डिग्री तक घुमाया भी जा सकता है। हाइब्रिड टैबलेट में स्लेट और कन्वर्टिबल टैबलेट दोनों की सबसे अच्छी विशेषताएं सम्मिलित होती हैं। हाइब्रिड टैबलेट अलग हो सकने वाले कीबोर्ड के साथ आते हैं जो कि दिए गए स्लॉट के जरिए स्लेट पीसी में जोड़कर टैबलेट पीसी में बदले जा सकते हैं। एक रग्ड टैबलेट उन उपयोगकर्ताओं के लिए अच्छा है जो कठिन वातावरण परिस्थितियों में कार्य करते हैं। इनके अंदर की हार्ड ड्राइव झटकों को सहन करने वाली और इनका सुरक्षात्मक कवच इन्हें काफी टिकाऊ बनाता है। यह एक बात आपके लिए ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि प्रथम बार इनका उपयोग करने से पूर्व इनकी बैटरी को कम से कम 6 से 7 घंटे चार्ज करना चाहिए, जब तक कि बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज न हो जाए। हम बैटरी कैसे चार्ज करते हैं? इन चरणों का अनुसरण करो। पहला, केबल को चार्जिंग हेड में लगाएं और प्लग को स्टैंडर्ड एसी पावर में लगा दें। डिवाइस अपने आप चार्ज होने लगती है। डिवाइस के पूरा चार्ज होने के बाद चार्जर को प्लग से हटा देना चाहिए। डिवाइस में ऊर्जा संरक्षण हेतु पावर सेव बटन को दबाकर स्क्रीन को बंद किया जा सकता है। स्क्रीन को पुनः चालू करने के लिए यह प्रक्रिया दोबारा करें। डिवाइस को बंद करने का सही तरीका क्या है? जब आपको डिवाइस बंद करनी हो तो निम्न चरणों का अनुसरण करें। पहले पावर बटन को कुछ क्षण के लिए दबा कर रखें। तब टैबलेट को बंद करने के लिए मेनू खुलने पर दिखाई देगा। तब पावर ऑफ पर टच कर डिवाइस को बंद करें। एक टैबलेट की होम स्क्रीन एप्लीकेशन फंक्शन मेनू के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। आप अपनी होम स्क्रीन को एप्लीकेशन आइकन्स शॉर्टकट फोल्डर को जोड़ करके कस्टमाइज कर सकते हैं। अतिरिक्त डिस्प्ले स्क्रीन के लिए स्क्रीन को दाएं अथवा बाएं खिसकाएं। तो तुमने सीखा कि कैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन और टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं। अब हम इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए सही विकल्प चुनें। सही है, अच्छा प्रयास। सही है, अच्छा प्रयास। सही है, अच्छा प्रयास। सही है, अच्छा प्रयास।